ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, इसमें क्या बताया है देखिएगा 40 में कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इससे सिवा और कहीं भी वह कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है, सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। आगे देखिए, हे प्रंतम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये 41 आपने पढ़ा, अब 42 देखना। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये तप क्या है? ये यहां तप का आगे विश्लेषण दिया जाएगा। जैसे तप के विषय में सोलहवें अध्याय में बताया है, वो तप क्या है कि जैसे वाणी तप, वाणी का तप, जैसे सत्य कहना, सत्य कहने में जो कठिनाई आवे, चाहे कोई राजी रहे, चाहे कोई रुष्ट होए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई सिर फोड़े, जो तत्व ज्ञान कहे, तो सच्चा ज्ञान प्रचार करने में जो भी कष्ट सहन करना पड़ता है वो तप है। दान करने में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, जैसे कोई तो जैसे किसी की पत्नी ने नाम ले रखा है तो पति राजी नहीं, दान करने में दो पैसे दान करना चाहे है तो वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ छो मावे को कुछ कहे, और जिसको समझ में आ गया वो उल्टा हट नहीं सकता। ऐसे ही किसी की पत्नी ने ज्ञान नहीं है तो पति दान करना चाहता है तो वो ना नौकर करती रहती है। तो ऐसे जो भी उस मार्ग में हमने कष्ट उठाना पड़ता है जो आता है तो वो तप है वास्तविक। वो जंगल में जाकर बैठ जाने से तप नहीं। जैसे हम सत्संग में आते हैं कि तो पैदल भी चलना पड़ जा, बसों में भी धक्कम धक्का, गर्मी में भी दुख पावे, तो वो परमात्मा के जो प्रयत्न में, प्राप्ति के प्रयत्न में, यानी अर्थात सत्संग तक पहुंचने में जो क्रियाएं हम करते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं जो, उनमें जो तप होता है उसके विषय में इस तप को कहा, ना कि कठोर तप। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप, ये वही है धर्म पालन के लिए, अपने अपनी मर्यादा को भंग ना होने के लिए जो कष्ट सहन करना उसको तप कहते हैं। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, मन दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरलता तथा वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। आगे देखना, अब 43 में आके सूर वीरता और तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये स्वाभाविक सबके अक्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। आगे देखना, 44 में लिखा कि गो खेती, खेती गौ पालन और क्रिया विक्रय, विक्रय विक्रय रूप सत्व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वाणी सब वर्णों की सेवन करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। आगे देखो, अब इसमें जो स्पष्ट करना चाहता है ये दास, 45 में लिखा है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन। अब इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जो भी जिसका जो कर्म है, जैसे भाई ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अपने अपने कर्म को करते हुए वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अपने सवसम वेद में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। वो नाम जो सच्चा नाम है, सतनाम है, उसका जाप करने में काम करते करते। अब 46 में बताया है कि ये जो बता रहे हैं, जैसे हठ योग वगैरह इस काल ने आकाशवाणी की ब्रह्मा जी को
विष्णु जी को भी की, शिव जी को भी की, जो इनको हठ योग में लगाया तो भ्रमित किया। वो तो काल प्राप्ति का साधन है, ब्रह्म तक के लोक में रहने की क्रियाएं हैं। और अब जो बताई जा रही हैं, कहते उस परमात्मा जिसने सारे, जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जो सबका पालन करता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के लिए ये बताया जा रहा है कि उसको पाने के लिए ऐसे स्वाभाविक काम करते करते आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब देखना 18वें अध्याय का 46वां कहा है, जिस प्रकार जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि माने पूर्ण मोक्ष को। उस परमात्मा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, 15:4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर नहीं आते हैं। और जिस परमात्मा से संसार रूपी वृक्ष की यानी सौर्य ब्रह्मंडों की रचना जिसने की, वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है। ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15 और यहां देखो श्लोक नंबर 4 है, ये इसमें कहा कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की अर्थात पूरे आदि सृष्टि की जो रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब यहां इसी में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसके अंतर्गत सब संपूर्ण प्राणी आते हैं, जिस परमेश्वर के, ये 46वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, और उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक कर्म यानी जिसके जो भी काम है, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, वर्तमान में जैसे भी हम व्यवसाय बदल गए, तो भाव ये कहने का कि हमारा जो भी कर्म है उस कर्म को करते हुए हम परम पिता उस परमात्मा को पा सकते हैं। पर कैसे पा सकते हैं, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए, जो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण दिया है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत् सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक है और मंत्र है, सत ये भी और मंत्र है, जो सार नाम बनेगा, जिससे जो सार नाम कहलाता है, सार शब्द अलग है। तो इस प्रकार कहा कि मेरा तो ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो एक ओम नाम है, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है, वो मेरे वाली जो लाभ प्राप्ति होती है उसको करता है। और उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर वही बताएगा, वो बताएगा वो 3 मंत्र का जाप। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि कोई 18वां अध्याय लास्ट अध्याय आ गया, इसमें निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है, अपने विषय में बता रहा है, पूर्ण परमात्मा के विषय में भी बिल्कुल तरतीब वाइज बताया जा रहा है। तो उस परमात्मा के पाने के लिए तो ये स्वाभाविक कर्म करते हुआ ही मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब देखो आगे 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कमाल कर दिया है कि ये देखो अच्छी प्रकार, 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अच्छी प्रकार आचरण की, ये पहले संस्कृत देखो, इसमें लिखा है कि श्रेयान स्वधर्म वी गण पर धर्मात सब अनुतिष्ठात अनुषित्थात, यानी अनु सब अनुष्ठात माने होता है जो
इब जैसे हम तो साधारण सी भक्ति करते हैं, अपना काम पर जा रहे हैं, सब मंत्र करते जा रहे हैं, अपना धंधा भी कर रहे हैं और भगवान भी बज रहे हैं, तो उसको कोई उससे कोई प्रभावित नहीं होता। और जो ये हठ योगी हैं, जो कर्म सन्यासी हैं, जो ये ढोंगी पाखंडी जिनको हम कह सकते हैं अब क्योंकि ज्ञान हो गया, तो ये ऐसे बैठ कर के घर त्याग करने को तो दूने दाने ला कर बैठे दिखे, तो उससे हम सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह बीमारी हमारे सतलोक से लगी थी, ये काल भी वहां ऐसे हठ योग करके खड़ा था और हम इससे प्रभावित होकर के इसके ऊपर आसक्त हो गए और आज इसने यहां पटक दिए ठाक है उसी आसक्तता ने। और अब भी कहते हैं जो जो साधना हठ योग करके और बड़ा प्रभावित नजर आवे है, दूसरे भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा भी साधु है, कहते हैं उसके वो विगुण है, विगुण माने गुण रहित व्यर्थ, उसकी वो बेशक ते आपने सब अनुष्ठातित माने बहुत अच्छी वो लगती है, सुनियोजित सी दिख है, बड़ी प्रभावित आप उससे प्रभावित होते हैं, आपने वह कितनी बढ़िया अच्छी लगती हो दूसरे की विगुण गुण रहित जो भक्ति है और वह कितनी अच्छी लगती हो, उसको देख करके अपनी उस यथार्थ साधना को वो श्रेयान यानी जो लाभदायक है शास्त्र अनुकूल साधना को मत छोड़कर जंगल में ना जा बैठिए, कदे कर्म फोड़ ले, इसका सीधा सा अर्थ ही हुआ। इन्होंने इसका उल्टा अर्थ कर रखा है, ये देखो 47 में इन्होंने क्या अर्थ किया है नालायकों ने, देख श्रेयान स्वधर्म है, अपनी धार्मिक क्रियाएं श्रेयान यानी कल्याणकारक हैं, सीधा अर्थ बनता है। विगुण है पर धर्मार्थ, जो दूसरे के धर्म जो विगुण है, जो दूसरे का गुण रहित, दूसरे के धर्म से धार्मिक क्रियाओं से वो चाहे सब अनुष्ठार्थ मान कितनी ही अच्छी बहुत विस्तार से लिखी हुई अच्छी तरह आचरण में ला रखी है उसने प्रभावित ढंग से, तो यहाँ क्या लिखा है इनके देखना, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, तेरा गजब हो यो, गुण रहित अपनी जो पूजा है, धर्मकार तो है ही नहीं क्योंकि गीता लिखी उस टाइम कोई धर्म नहीं था, मजहब नहीं था, यहां धार्मिक पूजाओं की तरफ है, ये कह है कि अपनी जो शास्त्र विरुद्ध साधना है विगुण घटिया उसको करते रहना चाहिए, दूसरे की शास्त्र अनुकूल साधना ने देख के वह ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इन्होंने ये अर्थ कर दिया उल्टा, जबकि इसका अर्थ है कि आप श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना जो है वो कल्याणकारक है, दूसरे की विगुण दूसरे की गुण रहित जो वो बनावटी ढोंग कर जंगल में बैठा है या कितना नौरत्रे कर रहा है या कहीं पर जय माता दी जागरण कर रहा है, वो शास्त्र विरुद्ध है, चाहे वो तुम्हें कितना अच्छा लगता हो उसको ग्रहण मत करिए, अपने उस श्रेष्ठ अपना ही जो वास्तविक धर्म धार्मिक पूजाएं हैं शास्त्र अनुकूल वो ही श्रेष्ठ है। इन्होंने इसको उल्टा कर दिया क्योंकि दुनिया को भ्रमित कर दिया, ज्ञान अज्ञान बना दिया अनुवाद करता हूं। अगर ऐसा ही था कि अपनी चाहे तू किसी साधना करे है बेकार सी उन्हें करते रहना, फिर गीता लिखने की आवश्यकता क्या थी, गीता जी का ज्ञान देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अगर ये कहना है कि जो जिस कर रहे अपने करती रहना, दूसरे की अच्छे उस साधना को मत ग्रहण करना जो अच्छी हो, नहीं, इसका विपरीत अर्थ कर दिया। आगे अर्जुन पूछता है कि जैसे हम अपने ये भ्रमणा पैदा कर रखी थी कि भी जैसे हम काम करते हैं, जैसे कोई किसान है खेती करता है हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा खेती को जो है जमीन तो संवारता है, तो उसमें ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, अग्नि हम जब खाना बनाते हैं अग्नि जलाते हैं उसमें भी जीव जंतु मरते हैं, हम वर्तमान में पहले तो गाय का गोबर मिलाकर के और मिट्टी मिलाकर के अपना लिपाई करते थे स्वच्छ करते थे उसमें भी जीव हिंसा होती थी, स्नान करते हैं तालाब में या जिसमें कीट है उस पानी से तो उसमें भी जीव हिंसा होती है, और हम अपना पोचा मारते हैं घरों में
या जैसे भी अब वर्तमान में चिप्स के फर्श हो गए, इन पर पोछा लगाते हैं किसी प्रकार है जीव रहित करने, उनको सफाई करने के लिए, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। तो इसलिए वो कहते हैं भाई फिर तो जंगल में जाकर बैठ जाना चाहिए एक स्थान पर, और बस पत्ते पुत्ते खाकर अपना गुजारा कर ले, इस तो मोक्ष होगा। ये ज्ञान इस आधार से वो कहते थे कि जंगल में अपना बैठ कर पाप रहित न्यो आगे। परमात्मा कहते हैं यदि कमीज ने निकाल कर संदूक में धर दिया, ट्रंक में, अटैची में, कहते यहाँ रखेंगे यो मेला ना होगा। अरे कोई बात हो या समझदारी है, पहनो, उसको पहनने के लिए बनाया है, और उसके साबुन और पानी का प्रयोग करके उसको रोज निर्मल कर लो। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि गीता जी में लिखा है कि कोई भी जो काम है, जो स्वाभाविक कर्म है, उनमें भी पाप होते हैं, लेकिन वो कर्म त्यागने योग्य नहीं है। गीता जी में इतना ही लिखा है कि वो त्यागने योग्य नहीं है। उन स्वाभाविक कर्मों को करते रहना चाहिए, जैसे अग्नि में धुआं भी होता है, ऐसे ही सभी कर्मों में कुछ अग्नि से काम भी बहुत होता है। तो जैसे अग्नि में धुआं भी है लेकिन अग्नि से काम भी बहुत लिया जाता है, ऐसे ही स्वाभाविक कर्मों में भी पाप भी होते हैं लेकिन उसे लाभ भी होता है, उससे पुण्य भी बहुत होता है। वो नहीं त्यागने चाहिए, उनको करते हुए अपना भजन करना चाहिए। तो भाव ये है कहने का। अब ये तो इसने, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने तो यहीं तक बताया है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा, जो मैं साधना बता रहा हूं गीता ज्ञान दाता कह रहा। और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए जो पाप अक्षमा करने वाला है, पाप नाशक है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा, वो फिर साधना, उस साधना से तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। अब अपने बताता है कि जो वो त्यागे नहीं जा सकते, ये जो भी कर्म तुम कर रहे हो ये करने योग्य हैं, ये त्यागने योग्य नहीं है, और इनको करते करते वो सत साधना करते हुए उस परम, उस पूर्ण परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते, क्योंकि उस मंत्र में एक और शक्ति है कि जानबूझ कर पाप करे नहीं, अनजाने में रोज जो पाप, स्वाभाविक कर्मों में जो रोज पाप होते हैं, वो उस नाम के जाप से और सिमरण करने से और ये धर्म यज्ञ करने से वो खत्म, प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीनों समय की जो आपको क्रियाएं बताई हैं, सिमरण बताया है, ये करना ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके स्वाभाविक कर्मों के जो प्रतिदिन के पाप हैं वो नष्ट होते रहेंगे। अब देखना अध्याय नंबर 18 का ये मंत्र 48, इसमें स्पष्ट किया है, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म जो हम कर रहे हैं कर्म अनुसार, जैसे अक्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, अर्थात अब जैसे भी जिसके कर्म हैं, कोई सर्विस करता है या कोई किसी प्रकार का भी काम करता है, तो वो स्वाभाविक सहज कर्म है, ये त्यागने नहीं चाहिए, गीता जी निर्देश दे रही। यह 48, एक कुंती पुत्र, दोष युक्त यानी ये दोष होते हुए भी इनमें भी जीव हिंसा अपराध होता है तो भी ये त्यागने नहीं चाहिए। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में किसी न किसी दोष से युक्त हैं, सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आगे लिखा है कि 49 में कहा है कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला यानी जीवित मर्तक, सांख्य योग, सांख्य यानी तत्व ज्ञान से उस परम निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता। निष्कर्म में सिद्धि कौन सी होती है, वी आर डिफाइन करते हैं, निष्कर्म में कौन सी सिद्धि होती है कि जैसे आप यहाँ काम छोड़ कर बैठ कर और समाधि ला करके अंदर के चैनल ऑन करने की चेष्टा करते हो, और उस चैनल में फिर चल रहे चलचित्रों को देखकर तुम आनंद मना रहे हो, निष्कर्म में होगे तुम ना काम त्याग होगे और आनंद लेना चाहते हो, ये गलत है। वो निष्कर्म में सिद्धि जब प्राप्त होगी, सतलोक में जालोगे, वहां कोई काम नहीं,
सतलोक में जाने के बाद ये निष्कर्म में सिद्धि प्राप्त होगी, यानी वहां जाने के बाद कोई काम नहीं, आपको बिना किए ही सब कुछ मिलेगा। अब गीता जी में बहुत ही गूढ़ रहस्य है, धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा।